अब हम जा रहे हैं कुंड से ऊखी मठ के लिए और वहाँ से आज हम निकलेंगे देवरियाताल के लिए और कल हम वापस आकर फिर हम तुंगनाथ के लिए जाएंगे। ये एक शेयरिंग जीप है जिसमें हम 7-8 लोग, हम 2 साथी थे लेकिन यहाँ आकर अब हम 5-6 साथी हो गए हैं। हमारा इरादा भी बदल गया है, कुछ प्लान पूरा का पूरा चेंज है लेकिन जाएंगे दोनों जगह। मेरे साथी आपको दिखाएंगे जरा तभी हो इस जीप में कितने लोग हैं, कैसे हम जा रहे हैं इस यात्रा के लिए। आपका चेहरा बहुत दिखे, धन्यवाद। रेड कलर इस समय हम सारी विलेज में हैं और यहाँ से अब हम देवरियाताल के लिए ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं। इस समय जो मैं आपको ये सामने व्यू दिखा रहा हूँ, ये बर्फीला जो व्यू है, इसमें बीच में जो सबसे ऊंची वाली चोटी है ये चंद्रशिला है, जबकि इससे पहले जो लेफ्ट में दिखाई दे रही है उसके और इसके बीच में ही कहीं चौपटा का ट्रैक है जो हम कल कवर करेंगे। आप यहाँ एक सारी का व्यू देख सकते हैं, कितना खूबसूरत एक गाँव है, छोटी सी आबादी यहाँ है लेकिन यहाँ पर ट्रैकर्स के लिए एक आकर्षण है जो उन्हें यहाँ लगातार आकर्षित कर रहा है। दोस्तों ये देवरियाताल ट्रैक का इनिशियल पॉइंट है और आप हमारे साथ देख सकते हैं हमारे गाइड सुरेंद्र सिंह नेगी मौजूद हैं जिन्होंने हमारे लिए ऊपर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और रास्ते में मार्गदर्शन की व्यवस्था कर दी है। दोस्तों रास्ते में चलते चलते हमें कुछ लोकल स्कूल के बच्चे मिले जो देवरियाताल ट्रैक की यात्रा पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं इन पहाड़ी लोगों में एक अलग सा अपनापन है। थोड़ी सी देर इनके साथ समय बिताइए और ये आपके कब अपने हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। इन स्कूल बॉयज़ के चेहरे पर देखिए कितना आत्मविश्वास है इस यात्रा के लिए और बहुत ज़्यादा लगाव भी, प्रकृति प्रेम भी। इससे क्या होगा, देवरियाताल ट्रैक में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ हम ढलान की ओर जा रहे हैं, अब तक चढ़ाई 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 चढ़ाई, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसके लिए। बड़ी खुशी हो रही है कि इस ट्रैक में ढलान भी है, अब तक हम पिछले 2 घंटे से इसे चल रहे हैं और अब तक केवल हमने चढ़ाई का ही सामना किया है। दोस्तों ये देवरियाताल जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, आप इसे देख सकते हैं, लेकिन जो मेन आकर्षण है वो इसके पीछे जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, मेरे साथ ही जूम करके दिखाएंगे आपको उसमें। मैं आपको बताता हूँ जो सबसे कोने में है वो नीलकंठ पर्वत है। अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं ये चौखंबा है जो आपको सबसे बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है। अगर आप पीछे आते हैं जो वी का जो पॉइंट आ रहा है ये सुमेरु पर्वत है और आप लास्ट में जा रहे हैं जो वो जहाँ पर बादल आ रहे हैं इस पेड़ के पीछे, वो वीडियो आपको आ रहा होगा, वो केदारनाथ पर्वत है। इसी के डाउन साइड जाकर जो केदारनाथ मंदिर है वो स्थित है। धन्यवाद।